बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें जी, एंथवनपन के अंदर रात का व्यू। ये जब का क्रिसमस आया तब के ये ट्रीज जो हैं वो सजाए हुए हैं इन्होंने सारे। तो अभी फरवरी आ गया लेकिन ये ट्रीज जो हैं वैसे के वैसे ही सजे हुए हैं, क्योंकि अब आ गया है फरवरी। और फरवरी में आपको पता है कि इनका वैलेंटाइन डे होता है और ये ज़रूर उसको मनाते हैं, और उसकी भी जो है ये भरपूर तरीके से जो है सजावट करते हैं। तो जो बड़े बड़े एरिया हैं उसके अंदर तो इन्होंने बकायदा हार्ट बनाए हुए हैं रेड कलर के, और उसके अंदर बड़ी तस्वीरें बनती हैं, सेल्फियां बनती हैं, बड़े पोज समझो मार देने हैं। तो ये 6 बजे का टाइम है और देखें इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो गया। और हम यहाँ क्या करने आए थे, यहाँ पर हम आए थे एक न्यू बोर्न बेबी जो हमारे रिलेटिव में आया उसको देखने के लिए आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स भी बनी हुई हैं, तो हमने कहा कि चले मार्केट्स से यहाँ से जो थोड़ा बहुत सामान वीकेंड का बच्चों का होता है तो वो भी मैंने कहा लेते हुए जाएं घर। ये देखें, ये आ गया है ट्राम स्टाप, बस स्टाप भी इसको कह सकते हैं, और ट्राम स्टाप भी हैं, दोनों स्टाप हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे कि थोड़े थोड़े फासले के ऊपर बस और ट्राम के जो हैं वो स्टाप बने हुए हैं, तो इसके यहाँ से आप इजीली बस भी ले सकते हैं और ट्राम भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखें इस तरह की बहुत ज़्यादा जो है एशियन शॉप है, जहाँ पर इसको अफगानियों की शॉप भी कह सकते हैं, अरबी शॉप भी कह सकते हैं, मुस्लिम शॉप भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह की जो है जगह जगह पर बनी हुई हैं। ये देखिए ट्राम का है सारा बीच वाला एरिया, और साइडों में इसके दोनों तरफ जो हैं वो चलती हैं गाड़ियाँ। और ये जो है ये साइकिल की इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें इस तरफ लिडल बना हुआ है। हम जा तो अल्बर्ट पे रहे थे लेकिन मुझे यहाँ पे ये लिडल दिख गया, इस पर भी हमने लेनी तो ब्रेड्स ही हैं, तो हमने कहा यहाँ से करते हैं आज ग्रोसरी। एंथवनपन का लिडल देखते हैं कि किस तरह का है, हमारे लीर जैसा है या थोड़ा चेंज है। खुल जा समसम। एंथवनपन के अंदर जो लिडल बना है वह हमारे लीर से जो है डिफरेंट है। लीर में इसकी और तरह की सेटिंग है, यहाँ पर और तरह की सेटिंग है। तो ये जी हमने लेनी है यहाँ से ब्रेड, और ब्रेड हम ये वाली लेकर जाते हैं, बच्चे ये खाते हैं। और ये जी इस तरफ आ गए हैं केक, पेस्ट्रियाँ, बिस्किट, पाना कोका, जूस वगैरह, और इस तरफ भी ये पड़े हुए हैं बंद वगैरह। ये देखिए इसके अंदर कपड़े भी रखे हुए हैं इन्होंने, और ये इस तरफ सारे योगर्ट पड़े हुए हैं, साथ में लेस वगैरह पड़ा हुआ है। ये देखे गोभी कटी हुई, ये सब्जियां सारी कटी हुई हैं। फ्रोजन अशिया वैसे मैं कम ही लेती हूँ, ये सिर्फ आइसक्रीम आ गई है। मांगो के ऊपर प्रोमो लगा हुआ है। और ये इस तरह भी जो है प्रोमो वाली चीज़ें रखी होती हैं इस खाने के अंदर भी इन्होंने। ये बिस्किट है, केचप है प्रोमो के अंदर, टॉफियाँ जेलियाँ वगैरह हैं। ये देखे फ्रेश ब्रेड जो है यहाँ पर तैयार होती है, बिल्कुल फ्रेश इधर अंदर ही तैयार होती है। ये देखे ये ज़बरदस्त से फ्लावर भी यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन अब शाम का टाइम है ना, ख़त्म हो गए हैं। ये जी हम लिडल से बाहर आ गए हैं, तो बाहर तो मैं कहनी हूँ निकल दे नाल कोई ठंडी या हवा है। तो सामने एशियन शॉप है, वहाँ से भी थोड़ा सा सामान लेना है मैंने, तो चलते हैं उधर। तो पर यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है वो एड्स के साथ वॉच किया करें, ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे।
दुआओं में रखें याद और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।